मैंने अपने पापा को पेमेंट दिया, जो कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी कम उम्र में मैं पेमेंट दे सकूंगा किसी को। स्पॉन्सर से तो मतलब यूट्यूब से जितना नहीं कमाया उतना तो मैंने स्पॉन्सर से ही कमा लिया। जो मेरे दोस्त, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे लड़के से मिलाने वाला हूं जिन्होंने मात्र 16 साल की उम्र में, बहुत कम समय में, उन्होंने अपने चैनल पे 2 मिलियन सब्सक्राइबर बनाया है। और यहाँ तक कि इनके घर की कंडीशन भी बहुत ख़राब है, उसके बावजूद भी इन्होंने अपनी मेहनत से अपने चैनल को यहाँ तक ले आया। आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, अगर आप भी YouTube से पैसा कमाना चाहते हो, अपने वीडियो को वायरल करना चाहते हो, तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बाकी एक यूट्यूबर हो या तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो भाई, सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए कि आपका भी एज कितना है और आपके चैनल का क्या नाम है। तो सबसे पहले तो सर, मैं आपका धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि आपने मुझे अपने चैनल पर इनवाइट किया, जिसके लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरी एज अभी 16 साल है और मेरा नाम निज़ामुद्दीन है। मैं मुंबई में रहता हूँ, मतलब पढ़ाई करने के लिए आया था, तो यहीं पर रहता हूँ अभी। आपके चैनल का क्या नाम है और कितना सब्सक्राइबर है आपके चैनल पर? मेरे चैनल का नाम ड्रैको फैक्ट है और मेरे चैनल पर अभी 2.5 मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले हैं, जो कि अभी मतलब कुछ दिनों में आपकी प्यार और सपोर्ट की वजह से कंप्लीट हो जाएंगे। इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा चैनल इन्होंने बनाया। अभी अर्निंग भी आपको बताएंगे कितनी अर्निंग हो रही है, क्योंकि इतने टाइम आपको पता है शॉर्ट्स कितना ज़्यादा चल रहा है। आने वाले समय में शॉर्ट्स में बहुत ज़्यादा अर्निंग बढ़ने वाली है। बहुत से लोग शॉर्ट्स वीडियो बना रहे हैं, उनकी वीडियो वायरल नहीं हो रही है, बहुत सारे डाउट होते हैं उनके दिमाग में। आज आपका डाउट क्लियर कर दूंगा, जिससे आप बहुत कुछ सीख पाओ। लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा सा इनकी स्टोरी दिखाता हूँ, जिससे आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगा। तो आप जरा अपने बारे में बताइए कि आपकी ये यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट कैसे हुई, कैसे आप यूट्यूब पर आए? तो सबसे पहले तो सर, मतलब मेरा एक फ्रेंड था वो मतलब फ्री फायर की वीडियोज़ डाला करता था। तो फिर मैंने उससे पूछा कि YouTube पर वीडियोस डालने से क्या होता है, तो मेरे दोस्त ने बताया कि बस व्यूज़ आते। तो फिर मैंने भी वीडियोस डालना शुरू किया फ्री फायर की। बट फ्री फायर मतलब क्या है ना, जो हमारा गेम प्ले होता है उतना अच्छा नहीं होता, जिसकी वजह से व्यूज़ नहीं आते थे, बस थोड़े मोड़े व्यूज़ आते थे, जिससे हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाते थे। लेकिन तभी मेरे दोस्त ने बोला कि अभी जो फैक्ट वीडियोज़ बहुत ज़्यादा चल रहे, तो फैक्ट वीडियोज़ पर अगर वॉइस ओवर करके अपलोड करेंगे तो उससे सब्सक्राइबर और व्यूज़ बहुत ज़्यादा मिल रहे। तो फिर मैंने उस पर कुछ वीडियोस बनाए, बट क्वालिटी कम थी, लेकिन व्यूज़ 2 से 3 के तक आ जाते थे, तो इसे देखकर खुशी तो बहुत होती थी। तो फिर मैंने धीरे धीरे करके ऐसे अपने चैनल को ग्रो किया और कुछ बात मतलब स्ट्राइक आने लग गए। स्ट्राइक आया और मेरा चैनल डिलीट हो गया। 2 या फिर मैंने 3 चैनल बनाए, वो डिलीट हो गए मेरे। लेकिन क्या है ना, मुझे मतलब स्ट्राइक के बारे में उतना कुछ पता नहीं था, जिसकी वजह से मतलब मेरे 2 या 3 ऐसे चैनल उड़ गए। तो फिर मैंने YouTube पर वीडियोस देखा और YouTube पर मतलब सारी जानकारी लेके, YouTube पर ये मतलब स्ट्राइक क्यों आता है, स्ट्राइक मतलब ये पैसे कैसे आते हैं, ये तो बाद में पता चला कि YouTube से पैसे भी कमाए जाते हैं। तो फिर मैंने सब चीज़ देखा कि YouTube पे पैसे कैसे कमाते हैं, अपनी वॉइस कैसे रिकॉर्ड करते हैं, और उसके बाद एडसेंस कैसे बनाते हैं, मतलब जो आगे की चीज़ें होती है वो मैं पहले ही देख चुका था, मतलब इतना मेरे पास वो था मतलब। तो फिर मैंने ऐसे करके अपना एक फिर चैनल बनाया, लास्ट ड्रैको फैक्ट चैनल। फिर उस पर मैंने फैक्ट वीडियोज़ पर मतलब जो पहले शॉर्ट्स आती थी, मतलब नॉलेज देता था, जैसे किसी शार्क के बारे में जब जो 3 फैक्ट बता दिए, या फिर किसी मतलब जो बड़े पर्सन होते हैं उनके बारे में फैक्ट बता दिए, कुछ इस तरीके से फैक्ट बताया करता था, जिस पर 2 से 3 के व्यूज़ आ जाते थे। तो इसी तरीके से मतलब बहुत खुशी होती थी। तो फिर अभी मतलब जो ये सब वीडियोस पर ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते थे, तो फिर मैंने एक है बंदा जो मतलब ऐसे जो बंदे होते हैं छोटू मोटू, ऐसी वीडियोस आती है, उस पर मैंने वॉइस ओवर किया, बट उन लोग भी स्ट्राइक देना चालू कर दिए थे। तो इसके बाद अच्छा, इससे पहले आपके कितने चैनल डिलीट हुए थे? 3 चैनल डिलीट हो गए। 3 चैनल। और अभी आप पढ़ाई करते हो? हाँ, अभी पढ़ाई तो स्टार्ट है, अभी मैं 11th क्लास में हूँ, 10th पास हो गई है मेरी। अच्छा, तो अभी आप कितना, अच्छा आप बताओ, पढ़ाई के साथ साथ YouTube कैसे मैनेज करते हो, कितना घंटा देते हो YouTube को? YouTube को 1 से 1.5 घंटा बस, उसके बाद तो ना पढ़ाई लिखाई और जो काम काज। यार, 1 से 1.5 घंटे में ही आप लोग YouTube पे 2 मिलियन सब्सक्राइबर बनाए जा रहे हो, क्या YouTube से बड़ी सारी है क्या? मतलब मेहनत करोगे तो ही आगे बढ़ोगे, बस यही है। क्योंकि बहुत से लोगों को मैं यही याद देख रहा हूँ कि जिनका बढ़ रहा है तो मतलब दम्मे से बढ़ रहा है, जिनका नहीं बढ़ रहा है बेचारे लोग परेशान हैं, वो नहीं बढ़ा पा रहे हैं। वो तरीका आप बताइए हमारी ऑडियंस को, कैसे वो भी अपने चैनल पर बढ़ाए। अरे 2 मिलियन ना हो, 1 मिलियन भी हो जाए, बहुत बढ़िया, खुश हो जाएंगे हमारी ऑडियंस। क्या भाई लोग, 1 मिलियन सब्सक्राइबर अगर मिल जाए तो बढ़िया है ना। तो अभी आपको बताएंगे तरीका क्या है, कैसे इन्होंने ग्रो किया है। ये इनका काम है रास्ता बताना, लेकिन चलना है आपका काम है। एक दिन में कुछ होता नहीं है, आपको हर दिन कुछ ना कुछ करना पड़ता है।
तो हमको जरा साहब ये बताइए कि ये YouTube पे जब आए थे तो आपके पिताजी, आपके घर वाले बोले बोले नहीं कुछ कि भैया ये तो छोड़ बुदा का है, अभी तो YouTube पे चल दिया वीडियो वाले? तो पहले उन्हें YouTube के बारे में कुछ पता नहीं था ना, तो बहुत चिल्लाया करते थे, बोले ये वीडियोस मत बना, पढ़ाई कर ले, बहुत चिल्लाते थे। तो फिर मैं मतलब छुप छुप के वीडियोस बनाया करता था, मतलब कहीं घर से बाहर चला गया। अब यहाँ क्या मुंबई है तो यहाँ पर ऐसा भी नहीं कि खेत में जाके बना लिए वीडियोस, यहाँ जाके बना लिए, ऐसा भी नहीं है, मतलब हर जगह घर ही घर। तो फिर मतलब घर में जब कोई रहता नहीं था तब वीडियोस बना लेते थे एक साथ, और मतलब जैसे 5-6 वीडियोस बना लिए तो उनको फिर एडिट करके जब मतलब अपलोड करते रहे, बस इसी तरीके से ग्रो हुआ। लेकिन बट थोड़े दिन बाद मैंने अपनी मम्मी को बता दिया, बस मम्मी को पता था, पापा को नहीं पता। देखिए इसे है, जिसे कहते हैं जिसे कुछ करना होता है वो कमी नहीं देखता, वो उसमें रास्ता ढूंढता है। अब यहाँ बहुत लोग कहते हैं यार हम तो एक ही वीडियो नहीं बना पाते, यहाँ पर इनके पास भी टाइम की प्रॉब्लम थी। इन्होंने क्या किया कि 5-6 वीडियो बना के एक साथ ही रख लेते थे। इसे कहते हैं लगन। आपको अपने काम में कितना लगन है, आपके पास कितनी वीडियो प्लस पड़ी है? नहीं पड़ी होगी मैं जानता हूँ, क्योंकि लगन नहीं है। जिसके पास लगन होती है उसके पास 10-20-5-15 वीडियो प्लस में रखता है। तो ये यूट्यूबरों का यही गेम है, आप लोग समझो, अपने प्यार करो, अपने कंटेंट से प्यार करो, अपनी वीडियो से प्यार करो। जैसे आप सुबह नहा वहा के बढ़िया ये दाढ़ी बार रखते हो ना, झाड़ते हो, उसी तरह से अपनी वीडियो को सजाओ, उसमें आपकी लगन होनी चाहिए। वो वीडियो वीडियो नहीं, आपकी खुद पहचान होती है। बहुत लोग कहते हैं यार मैं बहुत लोगों को देखता हूँ वीडियो तो ऐसे बना रहे हैं जैसे कि बेबी सोख उठे हैं, कच्ची सुरती खाए हैं और वीडियो बनाना शुरू कर दिए हैं। मैं बोलता हूँ क्या क्वालिटी है? बोलेंगे हमारा वीडियो नहीं वायरल हो रहा है, हमारा वीडियो वायरल हो तो हम क्वालिटी बढ़ाएं। तो ऐसा नहीं है। देखिए बहुत लोग अच्छी वीडियो बना रहे हैं भाई, कोई सी वजह से, टाइम की वजह से नहीं चल रहा है, लेकिन कुछ लोगों की वीडियो तो महाबेकार होती है। मैं चैनल चेक करता हूँ लाइव आके रोहतराज YT पे। तो ऐसे बहुत से डाउट हैं, तो आप लोग अपनी वीडियो को बढ़ाइए, अपनी वीडियो में क्वालिटी लाइए, तभी वीडियो में चलेगा। ये वीडियो आपका प्रोडक्ट है, जब प्रोडक्ट में क्वालिटी रहे तभी तो बेचोगे। फेस वॉश क्यों खरीदोगे भैया? फेस वॉश धोने से अगर आपका मुंह साफ होगा तभी तो फेस वॉश खरीदोगे। अब लगा लिए एकदम से काला मुंह हो गया तो क्या फेस वॉश खरीदोगे? नहीं खरीदोगे। तो इसी तरीके से वीडियो है, वीडियो में क्वालिटी दो, कॉन्टेंट दो, लोगों को फायदा होगा, आपको सब्सक्राइब करेंगे, आपकी वीडियो को देखेंगे। तो और ज़रा सा बताइए कि आपके जब पहली पेमेंट आई थी कि नहीं आई अभी? मेरी पहली पेमेंट तो मतलब अक्टूबर के नहीं, शायद नवंबर को ही आ गई थी। बट ये जो एडसेंस पिन की प्रॉब्लम थी, मेरी फर्स्ट जो शॉर्ट फंड थी वो 27,000 थी, जो मतलब $336। 27,000? अच्छा, तो आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी मतलब ये जो मुंबई में जो वाटर की सप्लाइंग होती है ना, तो उसमें सप्लाई करते हैं पानी को, मतलब सुबह से मतलब 12 बजे तक। गवर्नमेंट जॉब तो है कि ये भी प्राइवेट? तो कर नहीं सकता मैं, नहीं प्राइवेट जॉब है वो। तो महीने का कितना कमा लेती होंगी? महीने का सर 12,000। सोचिए कि जो 10-15 घंटे इनके पिताजी ऑफलाइन काम करके, ठंड हो या फिर गर्मी हो, पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं ये, और वो फुल टाइम जॉब करके केवल 12,000 रुपये कमा रहे हैं। इन्होंने केवल 1-2 घंटे पार्ट टाइम काम किया पढ़ाई के साथ, और ये 27,000 रुपये पहली पेमेंट उठाएं। इसलिए कहते हैं यूट्यूब का पावर, ये आप भी अपने पिताजी को गिफ्ट दे सकते हो। अच्छा, आपका ये जब फर्स्ट पेमेंट आया तो घर वालों का रिएक्शन क्या था, क्या क्या प्रॉब्लम आई फर्स्ट पेमेंट में? सर मतलब ये जो फर्स्ट पेमेंट थी तो उस टाइम तो मेरा एडसेंस पिन नहीं आ पाया था 1 महीने की वजह से, जिसकी वजह से मेरा शॉर्ट फंड, दूसरा शॉर्ट फंड भी आ चुका था जो कि 25,000 का था। तो मेरे कुल मिला के 52,000 रुपये हो गए थे, लेकिन मैंने घर वालों को बताया कि अभी मेरे 52,000 रुपये आ चुके, लेकिन किसको भी यकीन नहीं हो रहा था। बोली ये सब क्या ड्रामा रखा है, ये सब यूट्यूब से कुछ आने वाला नहीं है पैसा, बस तू अपने पढ़ाई पर ध्यान दे। तो फिर मैंने बोला अगर बस एडसेंस पिन आ जाए तो उसके बाद सारा पेमेंट आ जाएगा। तो फिर एडसेंस पिन अपना टाइम आएगा। हाँ, तो फिर 2 महीने तक मैंने वेट किया। तो मैंने तीसरी बार मतलब एडसेंस पिन, अब मेरा ये लास्ट बार मतलब मैंने रिसेंट पिन किया, मैंने एड्रेस चेंज करके तब जाके मेरा पिन आया, और जब मैंने उसे अपलोड किया और मैंने फिर अपना बैंक का ID दिया, और उसके बाद जब मेरा पेमेंट आया तब घर वाले का रिएक्शन अब बता नहीं सकता मैं, कितना जो अच्छा था, मतलब ये लाइफ का मेरा सबसे अच्छा दिन था जिस दिन पेमेंट आई थी मेरी। अच्छा, कितना दिए थे पूरा पूरा पैसा मिला के? कितना दिए थे? अपने मम्मी को दिए थे, पापा को दिए थे, कितना पैसे दिए थे? नहीं अभी तो वो सब उनका ही है, बस सब उनका जो बैंक में है। मतलब कितना दिए थे कि 50,000-60,000 कितना दिए थे? पहला पेमेंट बताए थे खाते में कितना आया था? पहला पेमेंट शायद 27,000 का आया था, जो इसी मंथ आया था, 18 तारीख को आ गया था। मतलब जब
जब आपका पिन उन आ गया तो जब आपके अकाउंट में पूरा पैसा के एक साथ आया होगा? नहीं नहीं, कितना आया था? 3-4 महीने का एक साथ आया होगा ना? नहीं, मेरा एक साथ तो नहीं आया था, मतलब इस मंथ मेरा डबल पेमेंट आने वाला था, मतलब अक्टूबर शायद नवंबर और दिसंबर का दोनों का आने वाला था, बट 18 तारीख को मेरी एक पेमेंट आई और जो मेरी दूसरी पेमेंट होती है वो दूसरी पेमेंट का मेरे को अभी मेल आ चुका है जीमेल पर के चेक की, और रिसेंट पेमेंट का जो मेल आता है वो आ चुका है, यानी कि 5 दिन में दूसरा पेमेंट भी आ जाएगा इसी मंथ, दो पेमेंट हो जाएगी फिर। अच्छा बताओ कितना कितना आ रहा है महीने का, एक अंदाज से बताना कितना कितना आ रहा है। मेरा 25 से 30 हज़ार के करीब आ रहा है 1 मंथ का, यानी कि एक मंथ का, जो कि मैंने सोचा भी नहीं। और 16 साल की उम्र में अभी देख पा रहे होंगे कैसी वीडियो शूट कर रहे हैं, और अभी इनकी हाल ही अर्निंग है, ऐसा नहीं कि बहुत दिन से कमा रहे हैं तो स्टूडियो शूडियो बनवा लेंगे, लेकिन अभी हाल ही अर्निंग है, छोटी सी उम्र में है 30-32 हज़ार रुपये घर पर इतने टाइम देना शुरू कर दिए हैं। आप दे सकते हो, जी हाँ आप भी दे सकते हो, चाहे आप 40 साल की उम्र पर पिताजी के पैसे खाइए, या फिर आप बचपन से ही YouTube पे काम करके पढ़ाई कर रहे हो तब भी जॉब कर रहे हो तब भी आप YouTube पे काम करके पैसे कमा सकते हो। जब छोटे छोटे बच्चे कर सकते हैं तो भैया आप में क्या कमी है? कमी है आपकी कंटेंट में, अपनी वीडियो की क्वालिटी में। 1 हफ्ते लगेगा भाई, सुधार लो, देखो आप भी मजा करोगे। स्टोरी दिखा दी, स्टोरी ऐसी चीज़ें हैं कि अच्छा लगता है जब बेटे बेटा अपने बाप को पैसे देता है कि पिताजी ये लीजिए पैसे, मेरी कमाई की है, मेरी मेहनत कमाई है, वो भी स्पेशली उस काम से पैसे जिस काम को पिताजी रोकते थे, ये सबसे बड़ी गर्व की बात होती है। क्या भाई कि पिताजी बोल रहे थे कि YouTube मत करो YouTube मत करो, आज उसी YouTube से पैसे कमा के दे दिए, तो अलग चीज़ हो गई ना वो। हाँ सर, ये तो मतलब जो इतना खुशी का दिन था उस दिन, जो मतलब मैंने अपने पापा को पेमेंट दिया, जो कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी कम उम्र में मैं पेमेंट दे सकूंगा किसी को, जो कि सिर्फ यूट्यूब की वजह से हुआ है, सिर्फ यूट्यूब की वजह तो से हुआ। आपके पास स्टार्टिंग में मोबाइल कौन था? मेरे पास स्टार्टिंग में तो मेरे पास एक वीवो का फ़ोन था जो कि 3 GB का था, जिसमें तो 4 साल पुराना हो चुका था गेम खेलते खेलते, तो इसकी वजह से इसमें अभी हैंग मारने लग जाता है, यानी कि काइन मास्टर में कुछ ज़्यादा इफेक्ट्स लगाते थे तो ये हैंग मार जाता, यानी कि वीडियो अच्छी क्वालिटी में भी नहीं आती थी, तो भी मैंने बनाया कभी, फिर पापा के फ़ोन में अगर रहता था तो उनके मोबाइल में मतलब एडिटिंग करके ये मोबाइल में भेजता था, फिर इससे अपलोड करता था। बट अभी यूट्यूब की पेमेंट की वजह से मैंने एक न्यू फ़ोन लिया है जो कि 12 GB का है। 12 GB का कितने का पड़ा ये फ़ोन? ये मैंने शायद 25 हज़ार का ख़रीदा है। 25 हज़ार का ख़रीदा है, तो इसी के कहते हैं देखिए जब आप पैसे कमाओगे ना तो आप एक दिन पैसे नहीं कमाओगे लेकिन एक दिन ज़रूर पैसे कमाओगे। ये YouTube की जर्नी है, यहाँ पर आपको हर दिन मोटिवेट रहना पड़ेगा। यहाँ पर टिप एंड ट्रिक्स काम नहीं आता, दिमाग से हटा दो टिप एंड ट्रिक्स तो भाई ठीक है हम सही रास्ता पकड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ मेन काम आता है मोटिवेशन का, क्योंकि यहाँ आपको डेली वीडियो अपलोड करना पड़ेगा, किसी वीडियो पे व्यूज आएगा किसी वीडियो व्यूज नहीं आएगा, यहाँ तक कि मैं आपको लिख के दे देता हूँ मैं आज जिस लेवल पे हूँ, मेरे पास 1 लाख सब्सक्राइबर हैं, मेरे पास भी ऐसे 1 लाख सब्सक्राइबर होने के बावजूद भी लोगों के पास डीमोटिवेट आता है भाई, किसी वीडियो पे 60 हज़ार व्यूज, किसी वीडियो पे 1.5 लाख व्यूज, किसी किसी वीडियो पे 30 हज़ार व्यूज, तो हमेशा तो व्यूज डाउन हो गया, अरे यार तो आज तो 70 हज़ार व्यूज का ढाटा हुआ। तो ठीक इसी प्रकार जो आपका सिचुएशन ये हमेशा बना रहेगा तो वहां पर काम आता है मोटिवेशन, इसलिए मोटिवेशनल वीडियो बहुत जरूरी है खासकर यूट्यूबरों के लिए, इसलिए वीडियो ज्यादा देखा करो मोटिवेशनल, ताकि अंदर ऊर्जा बनी रहे, आग लगी रहे, ठीक है। जैसे देखो मैं एनर्जी रहता हूँ, सुबह से अभी तक 5 से 7 इंटरव्यू कर चुका हूँ, 3-4 वीडियो मैं अपना एक्स्ट्रा मतलब आज सुबह से 11-12 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, रिकॉर्ड कर चुका हूँ, फिर भी एनर्जी देख रहे हो, अभी रात को हो रहा है, रात 9 बज रहा है फिर भी एनर्जी मेरी देख रहे हो, क्योंकि मैं मोटिवेट हूँ, अंदर से मोटिवेशन रहेगा ना तो वीडियो की क्वालिटी बढ़ती है, कॉन्टेंट निकलता है। और जब सुस्त फुस्त रहोगे तो क्या कॉन्टेंट निकलेगा? तो और जरा सर बताइए कि आप ये वीडियो कैसे वायरल करते हो यार, ये देश की वायरल नहीं हो रही, तुम्हारी कैसे वायरल हो जाती है, बताओ थोड़ा सा आप। सर देखो ये वीडियो वायरल करने की तो कोई ट्रिक नहीं होती, जो मतलब यूट्यूबर लोग कहते हैं ना कि वीडियो वायरल करने के लिए आपकी क्वालिटी थोड़ी मैटर कहती है, क्वालिटी और अपना जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स होती है ना उस पर वीडियो बनाना चाहिए हमें, जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स होती है उस पर अगर वीडियोज़ बनाएंगे तो हमारी वीडियो जल्दी जाती है, मतलब जो लोग देखना चाहते अगर ऐसी वीडियोज़ बनाओगे कुछ फ़नी टाइप्स की जो सब लोग बनाना चाह रहे तो ऐसी वीडियोज़ बनाना चाहिए। और एक बात ध्यान रखना चाहिए कि हमें लोग यानी कि रोज़ वीडियोज़ को अपलोड करना चाहिए, इससे क्या होता है जो यूट्यूब के पास मतलब YouTube समझ जाता है कि ये बंदा रोज मेहनत कर रहा है तो इसकी वीडियो को वायरल करना ही पड़ेगा, रोज अगर अपलोड करेंगे तो YouTube एक ना एक वीडियोस तो वायरल कर ही देता है, मतलब रेगुलरिटी यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ
हाँ सर, रेगुलर रहोगे तो ही तो यूट्यूब पे मतलब बन पाओगे, ऊपर जा पाओगे। अगर रेगुलर नहीं रहेंगे तो फिर मतलब। अच्छा, ये जो वीडियो देख रहे हो आप लोग, ऑडियंस भाई हमारी, आप लोग ईमानदारी से कमेंट करना, कमेंट में बताना कि आप लोग क्या एक टाइम पे वीडियो अपलोड करते हो। अगर आपका जो टाइमिंग है, क्या उस टाइम पे डेली वीडियो अपलोड करते हो? कितनी वीडियो दिन में अपलोड करते हो? टाइमिंग और कितनी वीडियो अपलोड करते हो कमेंट बताओ। तो ईमानदारी से बताना, झूठ बराक ना बोलना। तो आप ये बताओ कि आप दिन में कितनी वीडियो अपलोड करते हो, कितना टाइम लेके अपलोड करते हो, मतलब कितने टाइम पे अपलोड करते हो? मैं तो दिन में 2 से 3 वीडियो अपलोड करता हूँ। अगर 3 नहीं हो पाती तो 2 वीडियो तो अभी रेगुलर अपलोड ही कर देता हूँ। और मैं कभी मतलब सुबह में या तो फिर शाम में टाइम अपलोड करता हूँ, रात में नहीं करता हूँ, क्योंकि रात में जो ऑडियंस होती है वो फिर से डाउन हो जाती है, जिस वजह से मैं मतलब 7 बजे से पहले वीडियोज़ को अपलोड कर देता हूँ, सुबह से 7 बजे के बीच रात के। सही बात है ये। हाँ सर। तो और कुछ, ये जो वीडियो आप उठाते हो, आपकी वीडियो जितनी भी है, ये वीडियो आप लेते कहाँ से हो? मैं ये एक जो अभी मैं वीडियोस ले रहा हूँ वो तो एक है सायतो नाम करके है, सायतो। अगर यूट्यूब पे सर्च करोगे सायतो तो एक मतलब वो लाइफ एक्स यूज़ करके दिखाता है। तो इस पर वॉइस ओवर करोगे ना तो इसकी जो वीडियोस होती है ना वो मतलब अच्छी क्वालिटी की होती है। तो इस पर वॉइस ओवर कर देंगे ना तो हमारे वीडियो वायरल होने के चांस रहते हैं। तो अभी ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसी पर वो कर रहे हैं। तो ये सायतो नाम का एक बंदा है, और भी है बहुत सारे चैनल जहाँ से वीडियो उठा सकते हैं। सही बात है, ये तरीका आपने सही बताया है। देखिए, रूल सेम है लेकिन अंदर का मोटिवेशन और आपके वीडियो बनाने का कंटेंट अलग है। आपका कंटेंट अलग हो सकता है लेकिन नियम एक ही है, मेहनत करिए। आप एक टाइमिंग पर एक वीडियो की जो इन्होंने बताया उसे फॉलो कीजिए, आपकी वीडियो भी व्यूज आएंगे। अच्छा, अभी आपकी हर मंथ स्पॉन्सर से मिलता है नहीं मिलता है? सर, स्पॉन्सर से तो मतलब यूट्यूब से जितना नहीं कमाया उतना तो मैंने स्पॉन्सर से ही कमा लिया, जो कि मतलब अभी तो अभी, अभी 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 मेन की बात बोले हो, अभी मेन की बात बोले हो कि जितना हम एडिशन से नहीं कमाए उतना हमने क्या से कमाया? स्पॉन्सर से कमाया। एक यूट्यूबर स्पॉन्सर से बहुत ज़्यादा तगड़ा पैसा कमाता है। तो अब बताओ, अच्छा आप एक वीडियो का कितना लेते हो, एक स्पॉन्सरशिप का कितना लेते हो? एक स्पॉन्सर का तो वीडियो का नहीं है सर, मतलब ऐसा जैसे अगर 1 मिलियन व्यूज़ अगर हिट कर दिया तो मैंने तो उसका 3,000 रुपया मिलता है एक वीडियो का, बस 1 मिलियन। अच्छा, हाँ तो हाईएस्ट कितना दबाए हो पैसा बताओ तो, आज हम आप पे भी मतलब पूरी चंदा बटेगा लोगों में। तो मैंने जो मतलब मैंने 2 स्पॉन्सरशिप किया था, तो मैंने उसका एक प्रमोशन किया था 4 या 5 वीडियो में किया था, उसमें से एक मेरी वीडियो वायरल हो गई थी, 15 मिलियन चली गई थी। तो उस वीडियो से मुझे 44,000 रुपये बन गए थे, यानी कि 1,000 रेफरल्स आए थे जिसमें 44,000 रुपये बन गए थे। तो उससे भी मैंने अच्छा खासा कमाया। जी यार, आप तो छुपो रिश्ता हो, मतलब कि देखते एकदम छोटे पटाखा हो और आपका धमाका बहुत तेज है। हाँ सर, और ये मतलब 10 मिलियन व्यूज़ हो गए थे, तो 10 मिलियन का 30,000 डायरेक्ट उसने दे दिया था। बट मुझे लग रहा था ये फ्रॉड कर देगा, लेकिन ये इसने रियल में मुझे दे दिया, जिसके बाद तो मैं क्या बोलूँ, स्पॉन्सर का तो क्या बोलने का, इतनी खुशी हो रही थी जब मैं वो पेमेंट आई थी, मतलब यूट्यूब से पहले वो आ गई थी स्पॉन्सर की थी। ये बात है, देखिए स्पॉन्सर एक यूट्यूबर की जो सबसे दुगनी अर्निंग कर देता है, और स्पॉन्सर करना भी चाहिए। बहुत लोग कहते हैं कि स्पॉन्सर मत करो। अरे भैया, करेंगे ना, यूट्यूबर स्पॉन्सर नहीं करेगा तो क्या करेगा, घास छीलेगा। आप यूट्यूबर बनोगे कल आपके पास कंपनियां आएंगी तो क्या करोगे, स्पॉन्सर नहीं करोगे, क्या कहोगे भैया नहीं हम नहीं करेंगे? करना चाहिए, एक यूट्यूबर करता है तो भाई नहीं रजिस्टर करो लेकिन उसका सपोर्ट करो। बहुत लोग लगते हैं धनाधन धनाधन ज्ञान मारने, अरे स्पॉन्सर कर दिया, रिस्पॉन्सर कर दिया, जैसे बहुत बड़ा गड़बड़ काम कर दिया, ऐसा लगता है जैसे देश ही बेच दिए हैं। अरे स्पॉन्सर तो किए हैं, कंपनी का पैसा ला रहे हैं, जेब में लाएंगे तो फायदा तो है ना भैया, विदेश का पैसा है, विदेशी कंपनी है, अगर हम पैसा ले रहे हैं, कोई भी यूट्यूबर पैसा ले रहा है तो विदेश का पैसा तो अपने देश में आ रहा है ना, तो फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब भाई मैं तो सीधा कहता हूँ भाई, मत रजिस्टर करो, मत कुछ करो। जो लोग चतुर होते हैं उन लोगों को तो स्पॉन्सर से भी पैसा कमा लेते हैं, मतलब कि एप्लीकेशनों से पैसा कमा लेते हैं, बहुत से तरीके हैं लोगों का। लेकिन जिनको नहीं समझ में आता उनका पैसा डूब जाता है थोड़ा बहुत, तो वो लोग सावधान रहो भैया। लेकिन हो गया, किसी को कहना नहीं चाहिए, लेकिन हाँ यूट्यूबर की बात देखो जरूरी है, हर एक चीज़ समझोगे। आप लोग भी यूट्यूबर बनना चाहते हो तो आपके पास भी ये फेजेज आएंगे, आपके पास भी ये सब संघर्ष आएंगे। तो अभी एक बात बताओ हमको, लास्ट वाली एक पॉइंट हमको आप बताइए। आपने बताया कि अभी आप इतना ज़्यादा पैसे कमाते हो, इतना पैसे अभी हाल में माली 2-3 महीने से आप कमाना स्टार्ट कर दिए हो। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि भैया आप
स्टूडियो क्यों नहीं है, क्योंकि अभी स्टार्टिंग आपकी अर्निंग है, भगवान करे आप और आगे जाओ। तो अगली बार जब बात करो तो स्टूडियो में बात करो, आपका खुद सा स्टूडियो हो। एंड एक थी, हमको बताइए कि पिताजी आपको पहले डांटते थे कि भैया मत बना वीडियो, जब आपने इतना ना पैसा आप दे रहे हो तो अब क्या बोलते हैं कि नौकरी कर या फिर कर दें, अब यूट्यूब वही कर? नहीं, अब तो मतलब है यूट्यूब का ये, बस यूट्यूब में मतलब जितना हो सके उतना कर ले, बस यही सही है, मतलब आगे बढ़ने के लिए बस यूट्यूब पे मेहनत करते रहे। ओ तेरी आपने, मैं बस यही सुनना चाहता था, क्योंकि भैया देखिए इनके, इन्होंने बताया ना कि इनके पिताजी बोला आप यूट्यूब कर, क्योंकि यूट्यूब से पैसा आ रहा है, यूट्यूब पर आगे करना कुछ करना तो यूट्यूब कर। भैया दिमाग में आ गया, अभी तक आप बता रहे थे कि वीडियो से पैसा मिलेगा, तो नहीं मिल रहा था, लेकिन जब आपने पैसा कमा के दिखा लिया तो लग गया यार, तो नौकरी से 10 गुना बढ़िया है, घर बैठा है जो काम 1 घंटे करके इतना पैसा मिल रहा है, अगर 12 घंटे करे तो कितना मिलेगा। सही बात है, करिए, लेकिन हाँ अपनी पढ़ाई को, आप अपनी जो आप एक पढ़ाई है जहाँ तक लेवल तक वहाँ तक कर लीजिएगा, उसके बाद आप यूट्यूब पे आइएगा फुल टाइम, लेकिन अभी आप पार्ट टाइम लेके चलिएगा, क्योंकि यूट्यूब है आपकी पढ़ाई होती है। ठीक, अब लोग छोटी सी उम्र में यार इतना पैसा कमा रहे हो, इतना तो अभी बहुत से लोग बेरोजगार बैठे हैं, अब क्या बच्चे की जान लोगे का? तो आई होप इनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, बहुत इंटरेस्टिंग आदमी है, क्योंकि इनकी जो कहानी है ना वो थोड़ा सा हमको भी अच्छा लगा। तो ठीक है, बाकी चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिएगा, फिर मिलते अगली वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद। इनके चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और आप लोग मेरे से, अगर आपकी भी कोई ऐसी स्टोरी है तो आप लोग अगर चाहो तो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, कांटेक्ट मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।